नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल की सब्जी। ये चने की दाल भिगो के कैसे आसानी से हम बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे बनाते हैं। तो चने की दाल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 घंटे चने की दाल भिगोई है, तो ये लगभग आधा कटोरी होगी। तो इसे हम मिक्सी जार में डाल देते हैं पूरा। इसका पानी पूरा निकाल दीजिए। ये सब्जी तीखी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ 8 से 9। इसी के साथ एक 10 से 12 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच हल्दी और हल्का सा नमक भी आप इसमें डाल दीजिए। तो ये थोड़ा सा नमक। अब इसे पूरा हमें पीस लेना है दरदरा। अब आप कोई भी कढ़ाई पैन ऐसे कुछ भी ले लीजिए और उसमें एकदम थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। बाद जो पीसी हुई चने की दाल है, वो उसमें डाल दीजिए। इस तरह से आप फैला दीजिए और धीमी आंच पे हमें इसे लगभग 7 से 8 मिनट तक ढक के पकाना है। तो आंच धीमी ही रखिए। अभी मैं पूरा इसमें फैला देती हूँ। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो देखते हैं। देखिए इस तरह से इसे पलट देते हैं और 2 से 3 मिनट तक हमें रखना है। ये देखिए 7 से 8 मिनट बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसे ऐसे चम्मच से आप पूरा तोड़ दीजिए। अब एक कढ़ाई में आप 2 चम्मच तेल डाल दीजिए। रिफाइंड ऑयल मैंने ये डाल दिया है। अब इसमें जाएगी 1/2 चम्मच सरसों, इसी के साथ थोड़ा सा जीरा, मिठाई, थोड़ी सी हींग, और इसके साथ जाएगा एक मीडियम साइज प्याज। बड़े टुकड़ों में ही मैंने इसे काट दिया है। प्याज देखिए हल्का गुलाबी हो गया। अब इसमें हम ये दाल डाल देते हैं। इस तरह से इसे मिक्स कीजिए पहले, और हमने पहले ही थोड़ा सा नमक डाला है, तो और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो लगभग 1/2 चम्मच से थोड़ा कम है, और इसे धीमी आंच पे ही मिक्स होने देते हैं। देखिए कैसे ये एकदम खुला खुला बन गया है। 2 मिनट तक मैंने इसे धीमी आंच पे पकाया है। अब इसे हम डालेंगे खूब सारा धनिया। और इसमें अब हम इसे धीमी आंच पे ढक के पकाएंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद देख लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बन के तैयार है। एकदम मस्त खुशबू आ रही है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो चने की दाल की सब्जी के साथ मैंने बनाई है ये बाजरे की रोटी, इसलिए ये काली दिख रही है। आप चाहे तो इसके साथ ज्वार की रोटी या चपाती, पराठा, जो भी आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। ये है प्याज और चाहे तो हरी मिर्च लीजिए। और ये मस्त एकदम टेस्ट, जिसको तीखा पसंद है उसको बहुत ही ये डिश अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे बनाइए, खाइए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।